ये कैसा अठवां अजूबा, दीवारों में दरार, टपक रहा पानी, मुगलों का झूठ, दुनिया के सामने बेनकाब। श्री कृष्ण से बड़ा प्रेमी, राधा से बड़ी प्रेमिका पूरी दुनिया में नहीं, फिर शाहजहां मुमताज की मिसाल क्यों? केदारनाथ आज भी सुरक्षित, कोणार्क मंदिर का जलवा बरकरार, ताजमहल की झूठी कहानी हो गई फेल। क्या कभी सोचा आपने, दुनिया के सात अजूबों में हिंदुस्तान का कोई मंदिर क्यों नहीं है? जो मंदिर हजारों साल से अड़िग खड़ा है, न तूफान उसका कुछ बिगाड़ पाती है, न चक्रवात का उस पर कोई असर पड़ता है। कितना भी भीषण तूफान आ जाए, जगन्नाथपुरी मंदिर का पताका नहीं हिल पाता। कितनी भी भयंकर आपदा आ जाए, केदारनाथ मंदिर कैसे अड़िग खड़ा रहता है? लेकिन इसकी तारीफ खुद अपने ही लोग नहीं करते, जबकि 400 साल पुराने मकबरे पर पूरी दुनिया फिदा है, और फिदा होनी भी चाहिए, क्योंकि इसकी नक्काशी शानदार है, कारीगरी लाजवाब है, पर ये प्यार की निशानी तो नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती, आप खुद बीजेपी नेता रूप ज्योति कुर्मी से सुन लीजिए। जो मुगल है, मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी किए, जो प्रेम की निशानी बोला जाता है मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए उनके नाम से, 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? अरे इसको, इस विषय को अगर हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं जो भारत देश के जो नए प्रिय हैं, उनको हम लोग को सिखाना नहीं है कि एक मुगल राजा जहांगीर 20 शादी किए, एक मुगल राजा शाहजहां 4 नंबर बीबी के नाम से प्रेम के निशानी के तौर से ये बनाए। अगर इनकी बातों को सच ना भी मानी तो हिंदुस्तान में प्यार की सबसे बड़ी निशानी तो वृंदावन की गलियां हैं, प्यार की सबसे बड़ी मिसाल राधा और कृष्ण है। फिर इतिहासकारों ने शाहजहां और मुमताज की मिसाल क्यों दी? क्या वहीं से हिंदुस्तान में लव जिहाद की नींव रखी जा रही थी और सनातनियों को ये समझते समझते 400 साल लग गए? और अब योगी राज में हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बीते कुछ सालों में ये चर्चा तेजी से होने लगी है कि ताजमहल जिस जगह पर बना है वहाँ भगवान शिव का मंदिर था, वो ताजमहल नहीं तेजो महल था। अयोध्या और काशी की तरह यहाँ भी हिंदुओं की मांग जोर पकड़ने लगी है। लेकिन सवाल ये कि क्या किसी अदालत के फैसले से पहले ताजमहल अपना अस्तित्व खो देगा? 3 साल में करीब 12.37 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी ताजमहल के पत्थर गिरने से नहीं रुके। मुख्य गुंबद पर दर्ज आयतों के अक्षर निकलने लगे। बुर्ज से फर्श तक की हालत खस्ता हो गई है। ये ताजमहल से आई सबसे ताजी तस्वीर है, जिसमें वहाँ की दीवारों में दरार पड़ रही है, उसकी दीवारों पर पौधे उगे नजर आते हैं। आपको हो सकता है कि ये तस्वीर सामान्य लगे, लेकिन ग्लोबल भारत टीवी के संवाददाता जब एएसआई से इस बारे में सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब चौंकाने वाला होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुपरिटेंडेंट राजकुमार पटेल कहते हैं, अगर पौधा बड़ा हो जाता है तो मुश्किल होती है। सिर्फ ताज पे नहीं, जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, जहाँ जहाँ उनके जॉइंट्स हैं, कई बार डस्ट उसमें बैठता है, फिर पानी मिलता है, चिड़िया बैठती है, बीट करती हैं, सभी स्मारक में आपको पौधे उगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जरूरी ये होता है कि टाइमली उनको 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, उसमें 1-2 पत्तियां हैं, तभी उनको निकाल लिया जाए। अगर वो पौधे बढ़ेंगे तो उनकी रूट्स पेनिट्रेट करेंगी अंदर की तरफ, वो डैमेज होंगे। एएसआई के अधिकारी समय समय पर इसका मुआयना करते रहते हैं ताकि इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। खुद सीआईएसएफ के दर्जनों जवान इसकी सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं ताकि ताजमहल परिसर में कोई गलत हरकत न कर पाए। लेकिन बीते दिनों 1-2-3 नहीं, ऐसी कई घटनाएं हुई जिसने सबको इलाका रख दिया और सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। सबसे पहले ताजमहल की झाड़ियों में 2 टूरिस्ट यूरिन पास करते नजर आए, जिनका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। ये हालत तब है जब वहाँ जगह जगह पर पर्याप्त वॉशरूम बने हैं। एक वीडियो तो ऐसा भी सामने आया जिसमें अर्धनग्न हालत में कुछ लोग नजर आए, ऐसा लगा कि वो ताजमहल परिसर में ही स्नान करने जा रहे हैं। पुलिस ने जांच की तो खुलासा हुआ कि ये लोग कपड़े उतारकर टॉयलेट जा रहे थे। एक ग्रुप था, उसमें वो लोग टॉयलेट के लिए सुबह सुबह आए थे, सुबह सनराइज के टाइम मॉन्यूमेंट प्रमाइसेस में गए थे। जो वीडियो आपके सामने वायरल हुआ है, स्टाफ ने उन लोगों को ही बाहर निकाला था, नहाने की घटनाएं नहीं हुई थी, बट वो टॉयलेट जा ही रहे थे कपड़े उतार कर। ताजमहल में क्या होता है कि 1-2 वीडियो भी प्रसारित हुए हैं जिसमें कुछ पर्यटक सुबह के टाइम ताजमहल के जो किनारे की तरफ गार्डन है, जहाँ पे पर्यटक भी अमूमन कम जाते हैं और स्टाफ भी अमूमन कम जाता है, तो कई बार कुछ पर्यटक वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो इस तरह की 1-2 शिकायतें आ जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं। हम उन जगहों पे भी निगरानी के पॉइंट
बढ़ाए हैं। इसी तरह की तस्वीर जब विदेशों में वायरल होती है तो देश की मान प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचती है। इसलिए ताजमहल की सुरक्षा में लगी टीम को ये सोचना होगा कि आप कैसे इन चीजों को रोक सकते हैं। लेकिन यहां सवाल सुरक्षा से ज्यादा बड़ा इतिहास बदलने का है। ताजमहल जैसी कई इमारतें हिंदुस्तान में हैं। आप कुतुब मीनार को ही देख लीजिए, ढाई दिन का झोपड़ा देख लीजिए, लाल किले को देख लीजिए, ये भी मुगलों के दौर के ही हैं। लेकिन ताजमहल की तरह इन्हें कभी उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी ताजमहल को चंद इतिहासकारों ने दिलवाई, और वो भी उस देश में जहां राधा कृष्ण की प्यार की कहानी पुराणों में मिलती है पर किताबों में शाहजहां और मुमताज के किस्से मिलते हैं। पर इस पर ध्यान किसी का नहीं जाता। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो फिर कमेंट कीजिए और इस रिपोर्ट को 100 करोड़ हिंदुस्तानियों तक पहुंचाइए जिनके बच्चे ताजमहल जाने की जिद तो करते हैं पर वृंदावन की प्रेम गली नहीं घूमना चाहते।